हाई फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग एंड दिस इज टूडे वी आई विल टू टेक स्नेक एंड मिररर विच इज इन आवर सिलेबस सो इट इज़ इन नाइन्थ क्लास टेक्सट बुक सी बी एस ई एन सी आर डी इन अदर सिलेबस इज ऑल्सो सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड स्टार्ट विद द टॉपिक है मैम ऑडिबल मेरी आवाज़ आ रही है ठीक है ओके नाउ माय इज माय स्क्रीन विजिबल ग्रेट ठीक है तो आपके जो सिलेबस में है उसमें एक चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर भी है किसने लिखा है ये ये है बाय वायरम बशीर वायरम मोहम्मद बशीर राइटर है इसके ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय बी अब्दुल्ला यानी कि जो वायरम मोहम्मद बशीर ने जो लिखा है वो किस में लिखा था वो मलयालम में लिखा था उसको ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश में उसको वी अब्दुल्ला ने ट्रांसलेट किया तो दोनों राइटर्स के नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर पहला ऑप्शन हमारे पास बायरम मोहम्मद बशीर आता है तो इनको टिक करना है अदरवाइज़ ये नहीं आता है और अगर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो बी अब्दुल्ला जो है वो इनका नाम है तो वाइज लेट स्टार्ट चैप्टर का नाम है द सेकेंड नाइन्थ क्लास सी बी एस सी एन सी आर टी का ये चैप्टर है आपके सिलेबस में है तो इट इज यूजफुल फॉर टू सॉर्ट्स ऑफ पीपल वन हुर अपियरिंग इन सम एग्जाम एंड इट इज इन देयर सिलेबस एंड फॉर द अदर पीपल हु आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ ठीक है एंड इट इज अमेन स्टोरी अगर स्टोरी के साथ से भी सुनना चाहें तो एक ही बहुत ही मज़ेदार टाइप की स्टोरी है बिफोर यू रीड द चैप्टर और लेट सी डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मेर क्या आप खुद को शीशे में देखना पसंद करते हैं आईने में देखना वट यू थिंक अबाउट इट सच टाइम्स और जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो उस समय आप क्या सोचते हैं हैव यू एवर सीन अ डॉग अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू mirror? क्या आपने कभी देखा है कि कोई कुत्ता बिल्ली या कोई चिड़िया खुद को शीशे में निहार रहा हो वट do यू थिंक इट सीज और आपको क्या लगता है कि जब वो खुद को देख रहा होता है शीशे में तो वो क्या सोच रहा होगा? तो ये मजेदार सी रोमांचक कहानी है लेट्स प्रोसीड नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी ह्यूमरस यानी कि मजाकिया मजेदार स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर अ स्नैक एंड अ मिरर तो इस तीन इस कहानी में जो मेन जो हमारे पास है वो क्या है एक डॉक्टर है आप टाइटल समझ में आ रहा है स्नैक एंड द मिरर और जो कहानी का जो कथाकार है वो क्या है एक डॉक्टर है तो तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं उसमें दो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक स्नैक है दूसरा मिर, आ, दूसरा डॉक्टर है और कहानी मिरर के अराउंड घूमती है मिरर के आसपास घूमती है हैज़ अ स्नैक एवर कॉल्ड इट सेल्फ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल ब्लडेड कोबरा ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक स्नैक ने अपने आप को कुंडली मार रखी हो पूरी कॉइल कर रखा हो और वो कहाँ कुंडली मार रखी है उसने अपने आप में कुंडली नहीं मार रखी है उसने आपके शरीर किसी भाग पर कुंडली मार रखी है यानी आपकी बॉडी पर कुंडली मार के बैठा हो और वो भी एक खतरनाक सांप कोबरा है ऐसा जैसे ये सेंटेंस बोला गया तो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट और हम सब लोग जो हैं वो शांत शांत हो गए द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ होम्योपैथ मतलब होम्योपैथी के एक डॉक्टर थे उनकी तरफ से ये सवाल आया वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद टेल का मतलब कहानी होता है और हम सब एकदम उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया और वो जो बोल रहे थे उनकी कहानी सुनने पर उनकी बात पर हम ध्यान देने लगे इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट टेन ओ क्लॉक आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम ये गर्मियों के समय की बात है रात का समय है करीब दस बज रहे हैं और मैंने अपना भोजन पाया एक रेस्टोरेंट में और अपने रूम पर मैं लौट के आया आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अव एज आई ओपन द डोर और मुझे ऊपर से आवाज़ आई जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला था साउंड वॉज अ फैमिली वन वो एक आवाज़ ऐसी थी जानी पानी पहचानी आवाज़ थी वन could से दैट द rats एंड आई शेड द रूम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं या कोई ऐसा भी कह सकता है या मान सकता है कि भैया कि वो कमरे में मैं अकेला नहीं रहता था उस कमरे में बहुत सारे चूहे भी मेरे साथ उस रूम को शेयर करते थे आई took टुक आउट माई बॉक्स ऑफ and एंड the द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल मैंने अपने बॉक्स में से मैच की डिब्बी निकाली और जो कैरोसिन लैम्प था उसको लाइट कर दिया जो कि टेबल पर रखा हुआ था द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड यानी कि उस घर में बिजली नहीं थी इट वॉज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम एक किराए पर लिया हुआ एक छोटा सा कमरा था आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर है ना मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही करी थी और मेरी जो अर्निंग्स थी वो कैसी थी वो मीगर थी मीगर का मतलब क्या है मीगर का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत कम थी है ना ना के बराबर समझ सकते हैं बहुत लिटिल समझ सकते हैं वेरी लिटिल समझ सकते हैं तो जो मेरी अर्निंग्स थी वो कैसी थी वो बहुत ही कम थी आई हैड अबाउट सिक्सटी रुपीज इन माई सूट केस मेरे सूटकेस में मेरे पास जो है वो यद्यपि उस समय की जबकि ये कहानी लिखी गई है तो साठ uh, रुपए भी मतलब आज के साठ रुपए से तो ज्यादा होते थे पर दैट टू इट वॉज नॉट अ बिग अमाउंट सो साठ रुपए थे उनके पास अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस कुछ शर्ट्स थी मेरे पास कुछ धोतीस थी आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग और मेरे पास एक ब्लैक कोट भी था अकेला ही था वो मतलब मेरे पास और कोई कोट नहीं सॉलिट्री का मतलब लोन भी होता है सॉलिट्री का मतलब अकेला भी होता है तो यहाँ पे उसका मतलब कि सिर्फ एक ही कोट था उनके पास और कौन सा रंग का था वो ब्लैक कलर का था विच आई वॉज देन वीरिंग जो कि मैं उस समय पहना हुआ था यानी कि जब वो अपने रूम में आए खाना खा के भोजन पा के तो उस समय उन्होंने वो कोट पहना हुआ था और उन्होंने आवाज़ से समझ गया कि हाँ भैया कि जो मेरे जो संग जो चूहे रहते हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं I took off my black coat, white shirt, and not so सो वाइट and hung them up. मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा अपनी वाइट शर्ट को उतारा और मेरी जो व्हाइट वेस्ट थी यानी कि जो मेरी बनियान थी जो सफ़ेद रंग की थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप उसे रेगुलर नहीं धोते हो तो वो कैसी थे पीली बढ़ जाती है आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम दो खिड़कियाँ थी मैंने दोनों खोल दिया आइट वॉजन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड एक बाहर की तरफ का कमरा था वो जिसमें मैं किराए पर रहता था जिसमें एक दीवार थी वो किसकी तरफ थी वो यार्ड की तरफ खुलती थी यानी खुले एरिया की तरफ खुलती थी इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल गेबल का मीनिंग देखिए बुक में ही दिया एनसीआर टी में क्या अपर पार्ट ऑफ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ की जो ऊपर का जो हिस्सा है और वो स्लोपिंग रूफ के जो साइड में दिया हुआ उसे गेबल कहते हैं मैं अगर मतलब जैसा मैंने आपको बताया स्मॉल इन क्वांटिटी टाइल्ड रूफ थी उसके ऊपर टाइल्स लगी हुई थी देर वॉज नो सीलिंग यानी कि कोई प्रॉपर छत नहीं थी देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैड्स टू एंड थ्रो फ्रॉम द बीम और जो भीम थी वहाँ से चूहे जो है उनकी आवाजाही जो थी वो रेगुलर थी इनका ट्रैफिक जो है वो दिन भर चलता ही रहता था आई मेड माई बेड यानी कि मैंने अपना बिस्तर लगाया एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल और उसे दरवाजे की तरफ खींच लिया आई ले डाउन बट आई कुट स्लीप मैं सोने के लिए लेट तो गया परंतु मैं सो नहीं पाया आई गॉट अप एंड वेंट अप टू दरांडा फॉर लिटिल ईयर बट द वेंट गॉट सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ ग्रेट है ना यहाँ से इनकी जादूगरी चालू होती है वर्ड्स के संग खेलना इनका स्टार्ट हो जाता है आई गॉट अप अब ये लेटे सोने के लिए लेकिन ये सो नहीं पाए तो उसके बाद ये उठ गए और बाहर के वरडा में आए कि जिससे थोड़ी हवा महसूस कर सकें ताकि थोड़ी हवा ले सकें पर ऐसा लगता था कि जैसे जो हवा के जो देवता हैं वो भी उस समय छुट्टी पर थे या उन्होंने रेस्ट टाइम लिया था तो हवा भी नहीं चल रही थी तो बाहर आए हवा लेने के लिए हवा भी नहीं चल रही थी तो वापस इन्होंने क्या किया आई वेंट बैक into the द रूम एंड down डाउन ऑन द चेयर और मैं रूम में वापस चला गया और वापस चेयर पर बैठ गया आई opened द बॉक्स beneath द टेबल नीथ का मतलब होता है नीचे बीनीथ का मतलब होता है नीचे यानी या कि बगल में जीव हाँ। आई वेंट बैक इन द रू सेट ना ऑन द चेयर आई ओपन द बॉक्स बिनीन द टेबल बिनीन दीचे बगल में एंड टुक आउट अ बुक और मैंने एक किताब निकाल ली द मेटीरिया मेडिका ये एक बहुत फेमस किताब है जिसको डॉक्टर्स पढ़ते हैं है ना होम्योपैथी के डॉक्टर्स खास तौर से उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है ये तो उन्होंने अपनी किताब निकाल ली इट ओपेंड इट आई ओपेंड इट एट द टेबल ऑन विच टूट द लैम्प एंड अ लार्ज मिररर और मैंने उसे टेबल पर निकाल लिया जिस पर एक लैम्प रखा हुआ था और वहाँ पर क्या था एक बड़ा सा शीशा भी था अ स्मॉल कॉम ले साइड द मिरर और वहाँ पर एक छोटा सा कंगा भी था जो मिरर पर मिरर के पास रखा हुआ था उसके बगल में वंस फील टेम्पटेड टू लुक इन टू द मिरर वैन इट इज नियर वन और ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपके सामने शीशा हो तो आपका शीशा देखने का मन करता ही है सबका ही करता है आई टू का लुक मैंने देखा इन दोज डेज आई वे ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड बिलिव इन मेकिंग लुक मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम उन ये उन दिनों की बात है उस समय मैं ब्यूटी को बहुत एडमायर करता था और मुझे लगता था कि भाई मेरे को जो वो हैंडसम लगना चाहिए आई वॉज़ अनमेरिड मैं शादीशुदा नहीं था एंड आई वॉज अ डॉक्टर मैं एक बिना शादीशुदा यानी एक बैचलर डॉक्टर था आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट और मुझे इसलिए ऐसा लगता था कि मुझे मेरी पर, आ, मेरी उपस्थिति जो है वो महसूस कराने की ज़रूरत है यानी मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए आई पिकड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड इट्स the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंगे को उठाया और क्योंकि मैं शीशे के सामने ही बैठा था तो मैंने क्या किया अपने बालों में उसे लहराना शुरू कर दिया उसको घुमाना शुरू कर दिया और अपने बालों को उसकी मांग निकाली ढंग से अपने हेयर्स को पार्ट किया जिससे कि वो साफ सुथरे और क्लीन लगे अगेन आई हार्ट द साउंड फ्राम अबब लेकिन फिर मुझे ऊपर से आवाज़ आई आई टुक क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर और मैंने मिरर में जाके अपने क्लोज लुक को देखा यानी मैं मिरर के पास गया शीशे में जाके मैंने अपने चेहरे को ध्यान से देखा पास से आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन और मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया आई वुड शेव डेली आई ग्रो आर थे लुक मोर एंड सम तो शीशे में खुद को देखने के बाद ध्यान से जब मैंने अपना क्लोज लुक लिया तो मैंने उसके बाद ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि अब मैं रोज़ शेव बनाया करूँगा और एक पतली सी मूछ भी उगा लूंगा जिससे कि मैं ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ आई वॉज ऑफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर फाइनली भाई मैं कौन था मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था मैं एक बैचलर भी था और एक डॉक्टर भी था आई लिग इन टू द विटर एंड स्माइल मैंने शीशे में खुद को देखा और मैं मुस्कुराया इट वॉज अट्रैक्टिव स्माइल और मेरी जो स्माइल थी वो अट्रैक्टिव थी है ना वो मोह लेने वाली स्माइल थी आई मेड अनद अर्थ मेकिंग अर्थ शेकिंग डिसीजन और मैंने एक बहुत ही और इतना की पूरी उस डिसीसीजन को सुनते ही धरती पूरी घुल जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन और लिया आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था शीशा देखने के बाद कि भाई जब मैं स्माइल करता हूँ तो मैं ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ तो मैंने ये खुद से वादा किया और ये फैसला लिया एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो मेरी जो अट्रैक्टिव स्माइल है उसको मैं हमेशा जीवन भर अपने चेहरे पर रखूँगा जिससे कि मैं ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर डॉक्टर टॉप ऑन टू ऑन टॉप ऑफ इट भाई फाइनली मैं कोई नॉर्मल आदमी था मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शादी भी नहीं हुई है जो कि एक बैचलर है और ऊपर से क्या है वो एक डॉक्टर भी है अगेन गेम दैट नॉइज फ्रॉम विर से मुझे ऊपर से आवाज़ आई तो देखिए अब भाई ये ध्यान रखिएगा आपकी क्वेश्चन में बड़े इट इज़ अ सिंपल चैप्टर

आया आई वुड मैरी मेरी शादी तो होगी आई गेट मैरिड टू अ वोमेन डॉक्टर से शादी करूंगा जो कि खुद भी एक डॉक्टर हो और उसके पास बहुत सारा पैसा और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती हो शी हैड टू बी फैट लेकिन वो मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन उसका मेरे पास एक वैलिड कारण भी है कि, कि वो क्यों मोटी होनी चाहिए इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक and नीड टू रन अवे शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी वो मोटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यदि मैंने कोई गलती से या कोई बेवकूफ़ी से मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो और मुझे भागना पड़ा जिससे कि मुझे डांट या मुझसे लड़झगड़ नहीं पाए तो मुझे वो दौड़ कर मेरे पीछे पकड़ ना पाए, तो मोटी होगी तो नहीं पकड़ पाएगी इसलिए मैंने ऐसे मैं उन्होंने चाहाया कि जो कि मेरी जो वाइफ होनी चाहिए जिससे मैं शादी करूँगा क्योंकि शादी तो करनी है ही होगी तो इसीलिए कैसी होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए ताकि मुझे दौड़ कर पकड़ ना सके जब मेरा उससे झगड़ा हो जाए विद सच था इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल और इस तरह के विचार मेरे में न चल रहे थे और मैंने उस टेबल के सामने अपनी कुर्सी को वापस लगा लिया देर वर नो मोर साउंड फ्राम अव और अब ऊपर से आवाजें आनी जो हैं वो बंद हो गई थी सडनली देर का मत डल थर्ड एज एफ आर रबर ट्यूब हैज फॉलन टू द ग्राउंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट देखिए यहाँ से आपका जो मेन जो सेकंड कैरेक्टर है उसकी एंट्री हो जाती है तो यहाँ सब स्टोरी पर और आप ध्यान देना शुरू कीजिए कि वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि नाउ देर वॉज अर केवट डल थर्ड ऐसा लगा जैसे कोई चीज धम से करके धीरे से करके गिरी। एज एफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन टू द ग्राउंड जैसे कि कोई रवर ट्यूब है वो ग्राउंड पर करती है मतलब दम हल्की सी आवाज़ आती है मतलब भारी होती है लेकिन वो साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करती श्योरली नटिंग टूर तो कोई घबराने की बात नहीं थी इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक लेकिन मैंने ऐसा सोचा और मैंने पलट कर देखा कि क्या हो रहा है नो सूनर हैड आई टर्न देना फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर इतना मैं सोच ही पाया था और घबरा कर मैंने देखा कि भैया एक सांप ने यानी एक स्नेक ने वो मेरे ऊपर लैंड हो गया यानी मेरे ऊपर आ चुका है मेरे ऊपर चढ़ चुका है और मेरे शोल्डर पर है वो द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग माइ साइमल्टेनियस कि जैसे ही मैं पलटा था इतनी देर में ही वो मेरे ऊपर घिरा जैसे कि वो रबर की ट्यूब गिरती है और दोनों ही काम जो इकट्ठे हुए आई डिडेंट जम्प आई डिडेंट ट्रेम्बल ना ही मैं कूदा और ना ही मेरे शरीर में मैंने किसी तरह की कपकपी होने दी या हुई आई डिडेंट क्राई आउट और मैं रोया या चिल्लाया भी नहीं देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग क्योंकि ऐसा समय नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँ द स्नेक वॉज लिथर्ड अराउंड माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अब द एल्बो वो स्नेक जो था वो धीरे धीरे उसने क्या किया मेरे शोल्डर को कॉइल कर लिया बंदा शोल्डर से उतरा वो और उसने मेरी लेफ्ट आर्म को मेरी बाई बाजू को कॉइल कर लिया एल्बो से लेके कंधे तक द हुड वॉज स्प्रेड उसका जो फन जो फैला हुआ था एंड इट्स हेड वॉज हार्डली थ्री और फि फोर इंचज फ्रॉम माई फेस और उसका जो हेड था यानी कि उसका जो फन था उसका जो मुंह था वो मेरे मुंह से सिर्फ तीन और चार इंच दूरी था यानी उसने फन फैलाया हुआ था और फन मेरे चेहरे से सिर्फ जिस चेहरे के बारे में मैं सोच रहा था उससे से तीन चार इंच दूर था और उसने कोहनी से लेके कंधे तक मेरे पूरे आर्म पर कॉल किया हुआ था ठीक है इट वॉड नॉट बी करेक्ट टू दैट आई सैट देयर होल्डिंग मैं ऐसा बोलूंगा तो गलत नहीं होगा कि हाँ कि उसने क्या किया हुआ था उसने मैं अपनी सांस को रोक कर बैठा हुआ था आई वॉज टर्न टू स्टोन मैं बिल्कुल एकदम पत्थर हो चुका था बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव परंतु जो मेरा माइंड है वो उस समय पूरी तरह से चल रहा था द डोर ओपन इन टू डार्कनेस जो दरवाजा था वो डार्कनेस में खुला द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस लेकिन उसके तरफ भी चारों तरफ डार्कनेस थी इन द लाइट और लैम्प आई सेट द लाइक दिला स्टोन इमेज इन द फ्लैश और जिस तरह की लैंप से जो लाइट आ रही थी तो मैं एक पत्थर की तरह बैठा हुआ था जो कि है तो फ्लैश की लेकिन एक स्टोन की तरह मैं महसूस कर रहा था I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. मुझे उस समय ईश्वर की याद आई और उन्होंने जो ये दुनिया बनाई है जो यूनिवर्स बनाया है मुझे उसकी याद आने लगी गॉड वॉज देयर बिल्कुल भगवान वहाँ पे था सपोज आई सेट समथिंग आई डि नॉट लाइक इट शायद मैंने ऐसा कुछ कहा जो उन्हें पसंद नहीं आया आई ट्राइड इन माई मेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड my लिटिल हर्ट द वर्ड word। यानी जब मुसीबत आती है तो उस समय आदमी किसको याद करता है ईश्वर को याद करता है तो मैंने अपने इमेजिनेशन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा अपने दिल से बाहर निकल के मतलब मैं इतना इंटेंसली उसको फील कर रहा था कि मैंने लिखा कि ओ गॉड हे प्रभु वो भगवान देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म क्योंकि वो मेरी लेफ्ट आर्म को कॉइल किया हुआ था तो वहाँ पर मेरे को पेन होने लगा था एट इट वॉज एज इफ अ थिक लिटन रॉड नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर ऐसा लग रहा था कि रॉड जो है वो मेरे बाजू के ऊपर है मेरे लेफ्ट आर्म के ऊपर है और पहले मुझे ऐसा लगा कि वो एक लेड की रॉड है लेकिन नहीं नहीं वो लेड की रॉड नहीं मतलब मैं पूरी रॉड को फील कर सकता था वो मोल्टन फायर यानी कि एक फायर आग जैसी एक जलती हुई आग जैसी मुझे महसूस हो रही थी वह स्लोली बस पावरफुली क्रशिंग में आर्म धीरे धीरे लेकिन बहुत ताकत से मेरी आर्म को क्रश कर रही थी यानी उसे भींचती जा रही थी दबाती जा रही थी द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेंड आउट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ वॉट कूड आई डू और मेरी जो आम है उसमें से पूरी शक्ति जो है वो खींची जा रही थी और मैं और कर भी कह सकता था एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी अगर मैं हल्का सा भी हिलता तो वो एकदम मेरे ऊपर हमला कर देता मुझे स्ट्राइक कर देता डेथ लर्ड फोर इंचज अवे मौत जो है मुझसे सिर्फ चार इंच दूरी पर नाच रही थी सपोज इट वॉज शक वट वॉज अ मेडिसन आई हैड टू टेक अब मैं ऐसा दिमाग सोच रहा कि अगर इसने मुझे डसी लिया या मुझे मेरे पर हमला करी दिया और मुझे काट लिया तो मैं कौन सी दवाई लूँगा देर वर नो मेडिसिन उस कमरे में कोई भी दवाइयाँ नहीं थी आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड सुपेड डॉक्टर और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गरीब बेवकूफ़ और सुपेड डॉक्टर हूँ आई फॉरगट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली फीबली का फीबल इज समथिंग फॉर कमज़ोर है ना वीक और तो मैं अब अपने उस समय जैसे मेरे मन में थॉट आया तो मैं अपने आप को अपने खतरे को कुछ क्षणों के लिए भूल गया और एक फीकी सी दबी फी हुई सी मुस्कान आई सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड लेकिन ये जो मेरा जो नेचुरल जो मैं फील कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को वो बात पसंद आई उसने उसे अप्रिशिएट किया द स्नेक टर्न इज्स हेड और स्नेक ने अपने हेड को क्या किया टर्न कर लिया इट लुकड इन टू द मिरर एंड इट्स रिफ्लेक्शन और सामने क्योंकि टेबल थी टेबल के सामने कुर्सी पर मैं बैठा था तो उसने मिरर में देखा और अपना रिफ्लेक्शन देखा यानी कि अपने आप को देखा उसने आई डो नॉट क्लेम दैट इज द फर्स्ट स्नेक दैट एट एवर लुकड इन टू द मिरर अब मैं इस बात को क्लेम तो नहीं कर सकता कि ये पहला सांप था ऐसा पहला स्नेक था कि जिसने पहली बार शीशा देखा हुआ तो मैं इस चीज़ का क्लेम तो नहीं कर सकता बट वज सर्टेन दैट स्नेक वॉज लुकिंग टू द मिरर परंतु ये सर्टेन था कि जो स्नेक है वो मिरर में ही देख रहा था यानी कैसी उसकी नज़र शीशे में पड़ी और शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो खुद को ही देखता रहा वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी तो थोड़ी देर पहले जैसे मैं अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था तो क्या वो भी मेरी तरह ही उस ब्यूटी को एडमायर कर रहा था वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्ताच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा एंड वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन फॉर एट तो वो भी जैसे मेरे मन में विचार आ रहे थे कि अपनी ऊँचों वा लेता हूँ ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ तो क्या उसके मन में भी ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं भी अपनी ऊँचों वा लेता हूँ या आई शेडो बना लेता हूँ या मस्कारा लगा लेता हूँ या वर्मिलियन स्पॉट बना लेता हूँ कि अपने लुक को इस तरह से चेंज कर लेता हूँ आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टिन मैं इन में से जो भी ये सोच रहा हूँ ये मैं सोच रहा था मुझे इन चीज़ों पर कोई निश्चित नहीं था कि वो ऐसा ही सोच रहा था वॉट सेक्स वॉज द स्नैक वॉज इट मेल और फीमेल मुझे ये भी नहीं मालूम था मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ये ये क्या है ये मेल है या फीमेल है आई विल नेवर नो फॉर द snake unwound itself from the arm and स्लोली स्लिथर्ड into my lap. ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगा क्योंकि वो स्नेक ने मेरी आर्म को अनमाउंट किया यानी कि उसने जो कॉयल किया हुआ था मुझे मेरी बाई बाजू को उससे क्या किया उसने वहाँ से अपनी गिरफ्त से छोड़ा और मेरी लैब में आ गया धीरे से रेंगते हुए फ्रॉम देयर एक क्रेफ्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव ट्र मिरर और वहाँ से वो धीरे से रेंगते हुए कहाँ पहुँच गया वो टेबल पर पहुँच गया और शीशे की तरफ गया पर हैप्स इट परू इन्जॉय रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स इसकी इस एक्टिविटी से मेरे को ऐसा लगा ऐसा मुझे आइडिया आया कि ये शायद अपने रिफ्लेक्शन को यानी अपने प्रतिबिंब को ढंग से देखना चाहता उसको वो इन्जॉय करना चाहता है करीब से एट क्लोज़ क्वार्टर इज एन नीडियम एट क्लोज क्वार्टर मतलब बहुत करीब से नज़दीक से आई वज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट अब मैं जैसा मैं पहले बिल्कुल मूर्ति रूप था वो बिल्कुल मेरी सांस रुक गई थी मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं स्टोन हो चुका हूँ मेरे अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है अब जैसे ही उसने मेरे से हटके वो टेबल पर पहुँचा और शीश शे को देखने लगा मिरर को देखने लगा आईने को तो अब मैं आई वॉज सडनली मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड मुझे वापस लगा कि मेरे अंदर जाना गई है कि भाई मेरे अंदर फ्लैश भी है ब्लड भी है स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ लेकिन मैंने अपनी सांस को अभी भी रोका हुआ था आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर और मैं चेयर से उठ गया आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरेंडा और मैं शांति से बिना कोई एक्टिविटी किए धीरे से वहाँ से निकला और दरवाजे से वरेंडा में आ गया फ्राम माई देअर आई लिफ्ट इन टू दैट रैन फॉर ऑल आई आई वॉज वर्थ और वहाँ से जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचा तुरंत मैं यार्ड में आया और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी फ्यू फ्यू इज़ एन इंटरजेक्शन एक आवाज़ उसने अपने मुँह से निकालाइफ वेरी फैट ये कहानी सुनने के बाद एक आदमी ने ऐसी आवाज़ निकाली यानी कि सब ने चो फस सब ने कहानी सुनने के बाद आवाज़ निकाली और किसी ने यह सवाल पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ जो है वो जैसा आपने सोचा था वैसी ही मोटी है नो द डॉक्टर सेट गॉड बिल्ड अदरवाइज ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी माई लव कम्पेनियन एज अ थि रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर मेरी जो लाइफ कम्पेनियन है वो बहुत ही पतली है यानी थिन है वो और स्प्रिंटर गिफ्ट है यानी कि स्प्रिंट 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 इज बेसिकली जो शॉर्ट रन होता उसे sprint है उसे स्प्रिंट बोलते हैं हंड्रेड मीटर के जो धावाक होते हैं सौ मीटर के जो धावाक होते हैं स्प्रिंटर्स बोलते हैं तो यानी कि वो जैसे वो चाहता था कि मोटी हो इसलिए मोटी हो कि मैं कुछ करूँ तो पकड़ नहीं पाए तो स्प्रिंटर है वो यानी कि फास्ट है एक्टिव है समय एल डॉक्टर वेन यू रैन इट द स्नेक फॉलो यू किसी और ने पूछा कि डॉक्टर जब आप वहाँ से भागे तो क्या उस सांप ने उस स्नेक ने आपका पीछा किया द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं दौड़ता ही रहा दौड़ कब तक दौड़ता गया जब तक मैं अपने दोस्त के यहाँ नहीं पहुँच गया इमिडिएटली आई स्म ऑन ऑयल ओवर माई सेल्फ एंड टोकाबैथ वहाँ पहुँचने तुरंत मैंने ऑयल निकाला अपने पूरे शरीर पर लगाया फैला दिया और नहाने चला गया आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स मैंने तुरंत कपड़े बदले और फ्रेश कपड़े पहने द नेक्स्ट मॉर्निंग एट एट थर्टी आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्राम देयर और अगली सुबह करीब साढ़े आठ बजे के आसपास मैं अपने दोस्त के साथ और एक और दो और लोगों के साथ मैं वापस अपने रूम पर गया जिससे कि मैं अपना वहाँ से सामान ला सकूँ बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू ही पर हमें वहाँ पर पहुँच के हमने ऐसा पाया कि हमारे पास ले जाने जैसा बहुत थोड़ा ही सामान है सम थीप हैज़ रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स किसी चोर ने वहाँ पर जो भी मेरी जो बिलोंगिंग्स थी मेरा जो सामान था उसमें से लगभग ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से चुरा ली हैं रिमूव कर ली हैं ले गया है वो द रूम हैड बीन क्लिनड आउट जो रूम था वो पूरी तरह से साफ किया जा चुका था बट नॉट रियली लेकिन सही में ऐसा नहीं था द थीप हैज़ लेफ्ट बिहड वन लिटिल थिंग इज द फाइनल इंसल्ट और एक फाइनल इंसल्ट करने के लिए मेरी बेजती करने के लिए जो चोर जो आया था जिसने मेरा सारा सामान ले लिया उसने एक चीज़ वो छोड़ के गया था वॉट वॉज दैट आई आस्ट किसने पूछा कि भाई वो क्या था जो वो छोड़ के गया था द डॉक्टर सेट माई वेस्ट द डर्टी वन मेरी वो बनियान जो कि गंदी थी द फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीननेस यानी कि जो चोरी करने आया था वो भी साफ सुथरा रहना पसंद करता था उसके पास ऐसी सेंस थी एंड एंड आफ्टर वॉशिंग विद सोप वाटर यानी उसके भी दिमाग इतने खराब थे यहाँ पे वो गाली वक्त कहते हैं कि वो ले जाता उससे और अगर वो धो लेता तो उसको भी पहन के यूज कर लेता किसी और में काम करता लेकिन वो गंदी थी और जो चोर आया था वो भी इतना साफ सुथरा रहना पसंद था कि उसको वो नहीं लेके गया डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर अगला सवाल उसके सामने क्योंकि ये लोगों के सामने कहानी सुना रहा है डॉक्टर तो उसके तो सामने सवाल आया कि आपने अगले दिन जब आप वहाँ पे गए तो क्या आपको स्नेक मिला द डॉक्टर लाव्ड इस पर डॉक्टर जो है वो हंसने लगे आई हैव नेवर सीन इट सेंस उस दिन के बाद मैंने उस स्नेक को कभी नहीं देखा इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी वो एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता से ही मंत्रमुग्ध हो गया तो अ नाइस स्टोरी